खोलेंगे सबके राज, राजनामा दुनिया के साथ, मैं पूनम। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बीजेपी कार्यकर्ता ने शराब के नशे में एक मानसिक विक्षिप्त आदिवासी पर पेशाब कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। ये वीडियो 9 दिन पुराना बताया जा रहा है, जो कुबरी बाजार का है। आरोपी प्रवेश शुक्ला कुबरी का ही रहने वाला है। वह सीधी जिले से बीजेपी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि रह चुका है। सीधी एसीपी रविंद्र वर्मा ने ट्वीट कर जानकारी दी कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की जांच के बाद आरोपी प्रवेश शुक्ला पर केस दर्ज कर लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अपराधी को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आरोपी पर NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगाया जाएगा। PCC चीफ कमलनाथ ने कहा कि सीधी जिले में आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करने की क्रूरता का वीडियो सामने आया है। आदिवासी युवक के साथ ऐसी जघन्य और गिरी हुई हरकत का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। मध्य प्रदेश पहले ही आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 है। इस घटना ने पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि दोषी व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा दी जाए और मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को समाप्त किया जाए। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।